भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को खादी ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित व पुनः स्थापित करने, खादी उद्योग में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा के लिए, खादी के माध्यम से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करने के लिए देश की खादी कारीगरों, बुनकरों तथा महिलाओं की ओर से आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती गुणवत्ता कांग्रेस की सरकार ने 1985 की टेक्सटाइल पॉलिसी के माध्यम से सस्ते कपड़ों और तथाकथित उच्च गुणवत्ता के नाम पर पावरलूम सेक्टर तथा पॉलिस्टर सहित सिंथेटिक कपड़ों के अंधाधुंध बढ़ावा दिया, जिसने खादी और हैंडलूम उद्योग को बर्बाद के कगार पर धकेल दिया। इसका असर बुनकरों के साथ ही रुई की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि 2014 में खादी का उत्पादन सिर्फ 26,901 करोड़ था, जो कि वर्ष 2023 में 268% बढ़कर 95,957 करोड़ हो गया, और खादी कपड़ों की बिक्री 2014 तक 1081 करोड़ थी, जो कि 2023 में बढ़कर 31,154 करोड़ से 332% बढ़कर 1,34,000 करोड़ हो गया है, जिसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, पत्रकार वार्ता एक निश्चित उद्देश्य के लिए है। हम आपको पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार की तुलना के रूप में आंकड़े दे सकते हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री आए, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, देश में कितना खादी का उत्पादन होता था, देश में खादी के व्यवसाय का कितना टर्नओवर था, कितनी खादी बेची जाती थी, खादी के उद्योग धंधे जो बंद हो रहे थे उनको चलाने के लिए कांग्रेस के दौरान खादी के खिलाफ में क्या क्या काम किया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जब आए तो खादी के उद्योग को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, जमीनी धरातल पर किस प्रकार की योजनाएं लेकर आए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2014 के पहले सारा उत्पादन इस देश का 26,901 करोड़ रुपए था। इस देश में 26,901 करोड़ का उत्पादन था। आज वो उत्पादन बढ़ करके 95,965 करोड़ हो गया, अर्थात 268% की वृद्धि। 2014 के पहले इस देश में 1,081 करोड़ रुपए का खादी बिकता था, आज इस देश में 5,963 करोड़ रुपए का खादी बिकता है। 2014 के पहले इस देश में 31,134 करोड़ रुपए का टर्नओवर था इस व्यवसाय का, स्थानीय मिला करके एक्सपोर्ट मिला करके 31,000 करोड़। और आज मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में यह बढ़ करके 1,34,000 करोड़। दो चीजें हैं, खादी का विचार, खादी के जीवन मूल्य, खादी की सोच, खादी का स्वदेशी पर प्रभाव, खादी का देश की आज़ादी की लड़ाई पर असर, खादी का राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व, इस बात को पूरी दुनिया के सामने महात्मा गांधी लेकर के आए थे, और महात्मा गांधी के विचारों की सरकार आने के बाद उन सरकारों ने पिछले 65 सालों में हर वो काम किया जिससे खादी उद्योग बर्बाद हो जाए। 1985 में पहली वस्त्र नीति जब बनाई गई, खादी की कब्र में उसी समय कील ठोक दी गई। खादी इस देश में वस्त्र के रूप में दोयम दर्जे की नागरिक हो गई और सिंथेटिक कपड़े बहुत आगे हो गए। खादी के सेल पर 1946 से जो 25% का रिबेट मिलता था, कांग्रेस की सरकार ने 2010 में उस रिबेट को भी वापस कर लिया। 2010 के हमारे पास अधिकृत आंकड़े हैं,
हमारे खादी के कारीगरों को, हमारे खादी के बुनकरों को, हमारी सूत की कताई करने वालों को, कारीगरों की प्रतिदिन की आय 50 रुपया प्रतिदिन और बुनकरों की प्रतिदिन की आय 100 रुपया, 90 रुपया, 105 रुपया प्रतिदिन। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि देश के अधिकांश हैंडलूम बंद हो गए, सब उजड़ गए, सब सड़कों पर आ गए और सब गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज स्थिति यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने हर वो काम किया जिससे सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में खादी को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने खादी का स्टैंडर्ड मार्किंग बनवाया, क्योंकि जब हम विदेश में कोई सामान भेजते हैं तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने उसका हार्मोनाइज कोड बनवाया। एक बार जब कोई हार्मोनाइज कोड बन जाता है तो हमारे कारीगर यहाँ कुछ भी बनाएंगे और हार्मोनाइज कोड उस पर अंकित हो जाएगा तो कस्टम के क्रॉसिंग के दौरान उसकी कोई जांच नहीं होती। अवस्थापना सुविधाओं को ठीक किया गया। कारीगरों को मिलने वाला जो मेहनताना होता उसे बढ़ाया गया। 2021 तक उसको 150% बढ़ाया था। 1 अप्रैल 2023, मैं अभी 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, शासनादेश के माध्यम से 33% की और भी वृद्धि उसमें कर दी गई। पर क्या हुआ, रिजल्ट बताता है। मैंने आपसे कहा कि उद्योग धंधे उजड़ रहे थे, बुनकर भाग रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले इस देश में 5,60,000 कताई के बुनाई के कारीगर थे, सिर्फ 5,60,000। आज 2022-23 का आंकड़ा हमारे पास है, मैंने दिया भी है, 9,50,000 बुनकर, कारीगर, सूत कताई, 70% की वृद्धि। जो लोग हमसे कहते हैं उनके सामने ये आंकड़े जाने चाहिए, देश के सामने ये आंकड़े जाने चाहिए। अगर हमारे मजदूरों को, हमारे कारीगरों को अतिरिक्त आय न हो रही होती तो इनकी संख्या बढ़ी कैसे होती। आज माननीय प्रधानमंत्री ने खादी के महत्व को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से कहा है, जितनी तुम्हारी आर्थिक सामर्थ्य हो कम से कम एक खादी का वस्त्र जरूर खरीदना। क्यों खरीदना है? दो चीजें, एक आर्थिक रूप से उसको लाभ मिलेगा और दो लोगों की सोच में परिवर्तन होगा। आज वो जमाना गया जब कभी किसी को कहते थे कि खादी के वस्त्र बहुत आधुनिक डिजाइन के हिसाब से नहीं होते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया, खादी फर्स्ट इन नेशन, खादी फर्स्ट इन फैशन, और कारीगरों की एक लंबी प्रशिक्षण की स्कीम बनाई। जो कारीगर प्रशिक्षित होंगे उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा और प्रशिक्षित करने के बाद उनको 35% सब्सिडी के माध्यम से उनको सारे उपकरण भी दिए जाएंगे। आज फल क्या हुआ, इस देश में 2,60,000 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनमें 26 लाख बहनें दिन प्रतिदिन के काम में खादी का उत्पादन कर रहे हैं। और हम एक बहुत बड़ी स्कीम पूरे देश के स्तर पर लाने जा रहे हैं, महिलाओं का व्यापक स्तर पर सिलाई कताई बुनाई के लिए प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के उपरांत उनको निःशुल्क सिलाई मशीन देना। ये एक अंतर है उनकी सरकार और हमारी सरकार का। वो महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करते हैं और महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करते हैं। हम देश के नाम पर राजनीति करते हैं और हम दीनदयाल के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ दीनदयाल जी ने ही विचार दिए,
अगर अच्छे विचार महात्मा गांधी ने दिए हैं, डॉक्टर लोहिया ने दिए हैं, जयप्रकाश ने दिए हैं, किसी वामपंथी अर्थशास्त्री ने दिया है, जो कुछ भी देश के लिए अच्छा होगा हम उस अच्छे को बढ़ावा देंगे किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से दूर हट करके। आज के इस पत्रकार वार्ता का यही मूल उद्देश्य है।